बिग बॉस ओटीटी 2 के घर से आज के दिन डबल एविक्शन होने वाला है। जैद हदीद और फलक नास जो कि घर से बेघर होने वाले हैं, यानी कि खबरें जो हैं आ चुकी हैं पोर्टल पर कि भाई वो घर से एविक्ट हो गए हैं। लेकिन आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि आज वो दोनों घर से एविक्ट हो जाएंगे। डबल एविक्शन बिग बॉस ने इस बार किया है। जनता की क्या सच में बात मान ली है? क्या जैद हदीद को अविनाश फलक के साथ रहने की जो ये बड़ी सज़ा है ये मिली है? लेकिन आपको बताते हैं कि सबके मन में एक ही सवाल है कि अब अविनाश सचदेवा का क्या होगा। भाई ये बंदा हमेशा फलकनाश के साथ बैठा रहता था, हमेशा इनकी बातें जो हैं होती रहती थी। लेकिन अब अविनाश क्या घर में अकेला पड़ जाएगा या फिर वो अब घर में दिखना शुरू करेगा? क्या वो अब असली गेम को खेलेगा? तो चलिए आपको बताते हैं। जिस तरीके से अविनाश और फलक का जो बॉन्ड था इस घर में वो चल रहा था, वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते रहते थे। यहाँ तक कि अविनाश ने फलक को ये भी कह दिया था कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, एक तरह से एक प्रपोजल था वो बेसिकली। लेकिन अविनाश के इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया और ये कहा कि मैं अभी डेटिंग जोन में नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन क्या वो डेटिंग जोन में नहीं जाना चाहती थी, जिसके चलते अब बिग बॉस भी ये नहीं चाहते थे कि अब फलकनाश भी इस घर में रहे और उन्हें घर से कर दिया बेघर? जी हाँ, तो आपको बताते हैं कि फलकनाज और अविनाश का जो बॉन्ड था ये था कि इनकी क्यूट नोकझोंक जो कि लोगों को देखने को मिलती थी, ये हम नहीं कह रहे, ये कुछ लोग कह रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर क्या रिएक्शंस जो हैं वो आ रहे हैं कि अब अविनाश का क्या होगा। तो आपको बताते हैं कि एक यूज़र ने लिखा कि अविनाश जो कि 24 घंटे फलक के साथ बैठा रहता था, अब इससे पता चलेगा गेम का। एक और यूज़र ने लिखा है वी विल मिस सीइंग अवी एंड फलक हैविंग चाय टुगेदर, क्यूट नोकझोंक, फन बैंटर्स एंड अवी पुलिंग हर चीक्स। कि अविनाश जो अविनाश जो कि है वो फलक के चीक्स को खींचता रहता था, इनके कुछ मजाक होते रहते थे उल्टे सीधे, और अविनाश यहाँ तक कि खाना भी खिलाता था फलकनाश को। जी हाँ, खाना भी खिलाता था और फलकनाश जो कि अविनाश के उन सिली जोक्स पर हंसती रहती थी। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये जो है अब लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि आपको बताते हैं कि फलकनाश और अविनाश का जो बॉन्ड था इस घर में सबसे बोरिंग बॉन्ड मुझे लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते हैं कि बिग बॉस के घर में जो अब एंटरटेनमेंट का जो डोज है वो बेसिकली यूट्यूबर्स जो हैं, एल्विश है, अभिषेक है, मनीषा रानी है, ये सब जो है अच्छा एक जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जनता को जो चाहिए वो मिल रहा है उनसे। और अभी 30-35 दिन जो हैं इस घर में हुए हैं और अभी 1-1.5 हफ्ते पहले ही एलिश यादव की घर में वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री हुई है, और ऐसा लग रहा है देखकर कि ये बंदा बिग बॉस के घर में कब से है और बिग बॉस को बहुत अच्छी तरीके से जान चुका है। और जिस तरीके से घर में जो एंटरटेनमेंट दे रहा है, क्या इस बंदे को पता है कि घर में फुल एंटरटेनमेंट कैसे देना है और कैसे जनता जो है पसंद कर रही है? सबसे मैक्सिमम वोट्स मिले हैं, आपको बताते हैं कि मैक्सिमम वोट्स जो हैं वो मिले हैं एलविश यादव को, अभिषेक मल्हान को, उसके बाद फिर आशिका भाटिया को भी अच्छे जो वोट्स हैं वो मिले हैं, और फलकनाश को मिले हैं सबसे कम वोट्स, 18 आई थिंक या 20,000 जो हैं उन्हें वोट्स मिले थे, और उनसे एक स्टेप ऊपर थे जैद हदीद और फिर अविनाश सचदेवा। तो ये है कि आखिरकार अविनाश सचदेवा का अब क्या होगा, अब अविनाश कैसे, क्या सच में वो गेम में आएंगे, क्या वो अब गेम में अपने आप को दिखाएंगे? हालांकि अब क्या होगा आगे अविनाश का, वो कितना परेशान होगा, क्या होगा? सोशल मीडिया पर जो ये सवाल हैं ये उठ खड़े हुए हैं। वेल, आपका क्या रिएक्शन है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।